क्या आप भी आरक्षण रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से आप EWS सर्टिफिकेट बना के आप जो है आरक्षण कैसे ले सकते हैं, रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताया हूँ कि कैसे आप EWS सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप विकलांग है तो आप जो है ये सर्टिफिकेट दिखा के आप जो है 10% तक आपको जो है आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि हमको आरक्षण मिले, छूट मिले, तो आपको ये सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना ही होना चाहिए। तो आप कैसे EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कैसे क्या करना है, ये सब आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि किस तरीके से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते रहते हैं कि ये जो है ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन ही होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि किस तरीके से जो है आप ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से अगर आप जो है आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो है आपको ये सर्टिफिकेट दिखा के आपको 10% तक का आपको छूट मिलेगा, मतलब रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो कैसे आपको EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. आपको 10% तक रिजर्वेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं जो ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण सूचना में बहुत सावधानी से इसको अपने जो टर्म एंड कंडीशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से इसको रीड कर लेना है। यहाँ देख रहे हैं स्वयं सहायता अनुभाग, तो इसको भी रीड कर लेना है। और इसके बाद अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, इसको भी आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। तो आपको यहाँ से जैसे रीड कर लीजिएगा आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि RTPS सेवाएँ, तो यहाँ भी न्यू जो भी ऑप्शन है आ रहा है। तो सिंपली ये जो है बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, तो सिंपली आप जो लॉगिन का ऑप्शन है तो यहाँ से आप सिंपली जाकर इस पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। इसको जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको सामने कुछ इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, जो आप यहाँ इसको रीड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके इसको नीचे आइएगा, पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पर देख रहा है कि डोंट हैव अकाउंट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ से नहीं आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी है, सिंपली आप इसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद देख रहे हैं कि नागरिक अनुभव, यहाँ खुद का पंजीकरण ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद का पंजीकरण, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पर आपका यहाँ फुल नाम डालने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। एक बार यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आपको 8 करेक्टर से 15 करेक्टर के बीच में आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जैसे आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको एक पासवर्ड यहाँ बना लेना है, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो आपको शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद एक स्मॉल अक्षर, इसके बाद स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए, तो आपका एकदम वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपको जहाँ से भी है यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी हो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। ये जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ सबमिट कर देना है, तो आपका जो इसका रजिस्ट्रेशन है इस पर सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ वैलिडेशन हो चुका है, आपके जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको डाल के यहाँ पर सबमिट करना। चलिए यहाँ से मैं पासवर्ड को निर्भर कर देता हूँ, इसके बाद ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास मोबाइल में यहाँ ईमेल आईडी में आपको एक OTP आया होगा, वो डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मोबाइल पर आया होगा, वो डाल के यहाँ वैलिडेट को ओके कर देना है।
जैसे देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पे जो OTP आ चुका है, तो मैं आपको यहाँ से OTP आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरा देखिए यहाँ पे OTP यहाँ पे आ चुका है। सिंपली आपको ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दी, तो यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देना है। मोबाइल पर आया हो जो मोबाइल पर आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देख रहे हैं कि मैं सिंपली यहाँ डाल दिया हूँ, यहाँ वैलिड डेट को क्लिक कर देना है। वैलिड डेट पर क्लिक करते ही आपका जो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली हो जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अब यहाँ देख लीजिए मेरा सक्सेसफुल्ली यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा सक्सेसफुल्ली ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो सिंपली आपको वहाँ पर जाकर अभी लॉगिन कर लेना है। इसके बाद देख रहे हैं कि आप बोल रहा है कि लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन यूजर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सिंपली यहाँ से मैं पेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आइए लॉगिन आईडी पे, लॉगिन आईडी बजाने के बाद सिंपली यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालना है, ये जो कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट कर देना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी वही है जो आप ईमेल आईडी दिए थे, वही आपका लॉगिन आईडी है, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना, जो पासवर्ड चूज किए थे वो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल के यहाँ जे गेट OTP पे क्लिक करना होगा आपको। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक कर देना है। गेट OTP यहाँ बोल रहा है कि सक्सेसफुल्ली या सेंड योर ईमेल आईडी, चल गया, हम ओके कर देते हैं। अब आपके ईमेल आईडी पे ऑलरेडी जो ये सेंड हो चुका होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरीफिकेशन आईडी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे OTP भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसको सिंपली यहाँ पे पा कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाएगा, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलकम सर्विस प्लस। तो आप सिंपली इस पे लॉगिन हो चुके हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको जाइएगा, यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर सर्विस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ व्यू और सर्विस, तो अवेलेबल सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ढेर सारा आपको जो सर्विस है ये ओपन होकर आ जाएगा। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको ढेर सारा ये सर्विस जो यहाँ पर है वो ऑलरेडी ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फोन नंबर पाने बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो 32 में आपको दिखा रहा है 32 नंबर पर, आपको जो इस वाले पर आप जाके सिंपली इसको क्या करना है, आपको इस पर ओके कर देना है। के सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ लिखा आ रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, तो सिंपली आपको इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे आसानी तरीके से फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है, आप कौन सा भी लैंग्वेज में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जैसे मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेंडर आपको चूज करना पड़ेगा, पुरुष महिला जो भी है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ चूज कर लेता हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि आपका श्री श्रीमती जो भी है यहाँ पे आपको इसमें से चूज कर लेना है। तो सिंपली चलिए मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ जो एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, जिसके नाम से ये बन रहा है उसका नाम यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइपिंग कीजिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ आपको, तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर टाइपिंग किया हूँ, यहाँ पर मैं इंटर किया, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ हिंदी हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पर टाइपिंग किया, यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर में कुछ चूज कर लेना है कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपको यहाँ पर एक आधार नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट से है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका अनुमंडल जो भी है सब डिवीजन, वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो जहाँ से भी है तो ये आपको अनुमंडल यहाँ चूज कर लेना है। इस ब्लॉक तालुका जो होता है आपको जिधर से भी है तो आप यहाँ चूज कर लेना है। यहाँ पर स्थानीय निकाय का जो प्रकार है वो आपको दे देना है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, जो भी है तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना। चलिए मेरा जो नगर पंचायत हो तो आप इस यही रहने देते हैं। अगर आपका जो भी होगा तो सिंपली इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरा यह है, मैं रहने देता हूँ। वार्ड जो भी है आपको वार्ड नंबर यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, जो भी वार्ड है आपका, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है, जो भी है वो ग्राम पंचायत है उसको नाम डाल देना है, ग्राम मोहल्ला कस्बा का नाम डाल देना है, यहाँ पर डाकघर पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, यहाँ थाना चूज कर लेना है कि आपका थाना कहाँ से है, तो उसको थाना को चूज कर लेना है, पिन कोड डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद होल्डिंग नंबर है, जो भी होल्डिंग नंबर है यहाँ डाल देना है, सर्किल नंबर जो भी है वो डाल देना है, जाति कास्ट जो होता है वो आपको इसमें से जाति कास्ट जो भी है इसमें से चूज कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फादर का नाम यहाँ डालना है, ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। मदर नाम डालना है, ये हिंदी में हो जाएगा, ये कंपलसरी है, जो रेड मार्क है तो कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद देख रहे हैं कि अगर आपके पास हस्बैंड वाइफ है जो है, तो अगर उसका नाम डाल देना है, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं भी डालेगा चलेगा।
इसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी है तो डाल देना, नहीं तो इसको आप इसे छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो आवेदक है उसका एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो या तो मोबाइल से आप क्लिक करके फ़ोटो ले सकते हैं, या आप फाइल में है तो सिंपली चूज फाइल में जाइए, जहाँ भी फोटो होगा वो चूज करके आप। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो भी फाइल फोटो डालिए वो 20 KB से ऊपर का होना चाहिए फोटो, ठीक है। इसके बाद आपका परिवार का कितना आय है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर देखिए कि जो भी आप ऊपर फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को बहुत ही आसानी से फिलअप करके और यहाँ पर पूरा सब कुछ सबमिट करके और एग्री करके यहाँ पर सिंपली टर्म पर एग्री कीजिएगा। टर्म पर एग्री करने के बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो अप्लाई फॉर ऑफिस का नाम है तो ऑफिस का नाम जहाँ भी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो आप इसके बाद ये कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी आपका फॉर्म में एप्लीकेशन में जो भी चीज़ डाले हैं वो अपना चेक कर ले, अगर सब कुछ सही है सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करते ही कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। देखिए आपके पास एक आधार नंबर है उस पर एक OTP गया होगा, OTP यहाँ पर डाल के यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करना होगा आपको। तो अब देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ गया, जो इस तरीके से आपका फॉर्म है। आप इस फॉर्म को बहुत अच्छे अपने अच्छी तरीके से इसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद सिंपली देख रहे हैं कि चेक हेयर टू इंस्टीट्यूट न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ से इसको आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म में अगर आपको कहीं गलती हुआ है तो अगर उसको सुधारना चाहते हैं तो सिंपली एडिट पर जाकर सुधार सकते हैं। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो आप देख रहे हैं कि आपका ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे ये दे दिया गया है। इसके बाद सिंपली सब कुछ लगता है सही है तो सिंपली यहाँ सबमिट पर ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है ये ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। आप यहां से अपने फॉर्म को देख सकते हैं, यहां से जाके प्रिंट निकाल सकते हैं। यहां से जो है एक्सप्लोजर PDF बना सकते हैं, चलिए मैं यहां से प्रिंट आउट निकाल लेता हूं। तो सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना है, इसके बाद सिंपली यहां जो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा यहां प्रिंट पर जाके अपना प्रिंट जो भी जहां भी रखना है इस सिंपली आप इसको नाम डाल सकते हैं। डाल के मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया हूं, बात तो मैं यही रहने देता हूं। इस पर सिंपली मैं अपना जो प्रिंट है मैं इसको सेव कर लेता हूं। इसके बाद सिंपली आप एक्सपोर्ट टू PDF भी करके इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और मैं इसको भी सेव करके रख लेता हूँ, तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपका ये पूरा फॉर्म जो आप सबमिट किए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी अभिभावक है उसको फ़ोटो लेके अधिकारी के पास है ना, उसको जो भी आपको वैध प्रमाण पहचान पत्र है यहाँ देख रहे हैं वो सब लेके आपको उपस्थित होना होगा। इसके बाद आपके जो है इनके SMS या ईमेल पे आपको सूचना भेजी जाएगी। आवेदन की उपयोग कर एप्लीकेशन स्टेटस के अंतर्गत इस संदर्भ में जारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आप सिंपली जो ब्लॉक में जाना है आपको अंचल अधिकारी के पास अपना ये फ़ोटो और आपके जो पहचान पत्र है वोटर आईडी आधार कार्ड पैन कार्ड वो लेके जाना है, तो वहाँ पर आपको सिंपली वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपका ई जो है एप्लीकेशन वो ऑलरेडी वहाँ से सबमिट हो जाएगा। और यहाँ का आपका आवेदन संख्या भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जो आपको इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो आपका जो रीइशू कर दिया जाएगा। इसका जो भी ये देख रहे हैं कि आपका आवेदन संख्या है वो आप अपने बहुत ही आसानी से अपना आवेदन का ट्रैक कर सकते हैं। तो आवेदन को ट्रैक करने के लिए सिंपली आपको होम पेज पे आना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यू स्टेटस एप्लीकेशन, सिंपली आप इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखें ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल के सिंपली यहाँ गेट डेटा पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मैं अपना रेफरेंस नंबर डाला हूँ, ये नंबर यही होता है रेफरेंस नंबर, जैसे ये नंबर आप डालिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुका है। और यहाँ पर आपका देख रहा है कि आपका जो अभी है इशू ऑफ इकोनॉमिकल वाटर रिसोर्स वेकली सेक्शन सर्टिफिकेट, और आपका ये नंबर आ चुका है। आज का डेट ये है, डेट ये है, करंट स्टेटस आपका जो है इनस्टेड है। तो इस तरीके से आप अपना जो है इसको बहुत ही आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपको क्या हुआ है। तो इसको बहुत ही आसानी से इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यू इनकम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि रिलेटेड पेमेंट और यह बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप बहुत ही आसानी से इसको रीड कर सकते हैं। सो गाइस बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप EWS के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 10% तक के लिए आप रिजर्वेशन पा सकते हैं। जो बहुत सारे गाइज बोलते हैं कि ये ऑफलाइन ही होता है ऑनलाइन नहीं होता है, तो मैं उस सबको भी दिखाना चाहता था कि आप देखो ये ऑनलाइन भी ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। सो गाइज बहुत ही आसानी से आप इसका एप्लीकेशन भर के आप अपने एप्लीकेशन का यहाँ से जाकर इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। सो गाइज अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से EWS सर्टिफिकेट के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई
कर सकते हैं। अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं नौकरी में, या आप स्टूडेंट है अगर पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे भी आपको 10% तक का आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। सो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे कि किस तरीके से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।